शिक्षा अधिकार कानून 2009 अधिनियम के तहत सभी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में बालक बालिकाओं के शौचालय अलग अलग होने चाहिए, परंतु ग्राम पंचायत खेरी के ग्राम मरझोर की यह कहानी है, जहां पर सोनाली रैदास, जिसकी उम्र 12 वर्ष है और जो कक्षा 7वीं की छात्रा है, सोनाली रैदास मरझोर से 2 किलोमीटर दूर सिमरिया गांव से आती है, जिसे स्कूल में शौच के लिए जाने में परेशानी होती है, क्योंकि स्कूल के शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे स्कूल में जो शौचालय बना था वो टूट गया है। हम अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बाहर के आने वाले लोग को परेशानी होती है, और वो अगर घर जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में शौचालय का सुधार हो। हमारे प्राथमिक शाला में शौचालय बालकों का है, चूँकि को एजुकेशन है यहाँ बालक बालिकाओं का, तो बालिकाओं का शौचालय अलग से होना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। उसके लिए आपने क्या क्या किया? हाँ, उसके लिए हमने हमारे BRC में उसकी लिखित सूचना दी, सरपंच से भी हमने बार बार बोला कि बालक शौचालय हमारे यहाँ है नहीं। उन्होंने भी जाकर के BRC में पता किया, लेकिन अभी तक बालिका शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ के शौचालय का सुधार जल्द से जल्द हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और उन्हें शौच के लिए खुले में भी ना जाना पड़े। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि मेरी सहायता करने हेतु इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाएं। सिवनी BRC सुनील पवार, मोबाइल नंबर 9425391622। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।